इलाहाबाद दिल्ली तक ये रोड गई है, ये ब्लॉक कर दी गई। ये इलाहाबाद और दिल्ली, यहाँ लड़कियाँ आती हनीमून करने, देखो लड़कियाँ आती हनीमून पे, जिसकी दो मोबाइल रखवा लिया गया है। बहुत सही करे आप। सो गाइज एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज यार, पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था पूरा का पूरा मिर्ज़ापुर का ये महल, ये हवेली। अभी हम दूसरे वाले पार्ट में देखने वाले इस हवेली के अंदर, इस महल के अंदर एक बहुत ही खुफिया, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावना सुरंग है। उस सुरंग को हम लोग देखने वाले हैं, और आप लोग इंट्रो में देख लिया होगा उस सुरंग के बारे में। और इस सुरंग के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगर इस वीडियो को आप लोग पूरी देखते हो। और हाँ गाइज यार, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये मेरी सेकंड ब्लॉग है, तो आप लोग यार थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना। जिसने अभी तक यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो। और जो भी भाई लोग नए आ रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट तुम लोग भी दिखाओ, और थोड़ा सा ब्लॉग वाले चैनल को हमारे सपोर्ट कर दो, जैसे हमारे पहले वाले चैनल को सपोर्ट किया हो। तो सभी लोग यार, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक ही ठाक होंगे, और यार मज़ा तो आता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि भाई इतनी अच्छी खासी हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पहले वाले चैनल की तरह। चलिए गाइस, अभी हम लोग ये पहले ही पार्ट का कुछ सीन दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा, जो बंदे नए आ रहे होंगे उन्हें ही देखे होंगे। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो गाइस इस वीडियो को छोड़ो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला पार्ट है, उस लिंक पर क्लिक करो, जाकर पहला पार्ट आप लोग देख सकते हो। ये है महल, ये है हवेली मिर्ज़ापुर की। वीपी सिंह नाम है जिसका है, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के थे वीपी सिंह, उनका ये हवेली है गाइस। इसमें एक सुरंग भी है, और हमारे साथ एक जो दादाजी थे, वही दादाजी उस सुरंग के अंदर ले जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए बिना वीडियो को देरी के जल्दी से स्टार्ट करते, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे थोड़ा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये क्या है यार दादाजी, ये क्या है, सुरंग यहीं से क्या? तो गाइस ये देखिए आप लोग, ये क्या है, ये अच्छा, ये बाथरूम लेटरिंग वगैरह है, यहाँ से सुरंग जाने का रास्ता यहाँ पर। दादाजी कहाँ गए आप, आइए आइए थोड़ा। ये क्या है भाई, पूरा का पूरा यहाँ पत्थर वाला सीन है, बैठने वाला है क्या, ये चबूतरा पूरा बना है, पूरा का पूरा है। टार्च है, टार्च है, आप चलिए बस, टार्च है। लाइट जलाना पड़ेगा भाई लोग, अंदर अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है। ये रोशनदान है, ये रोशनदान है, सुरंग का रोशनदान है। दादाजी चलिए अंदर, ये चिड़िया, हाँ ये चिड़िया घर है भाई लोग। ये देखो यहाँ भी रंबा लगाए हैं। तो भाई दादाजी का कहना, यहाँ पर सोने के सिक्के लगे थे और गांव वालों ने सब उठा ले गए, सोने के सिक्के जो भी थे गांव वाले सब उठा ले गए, और जो भी यहाँ से सोने का सिक्का या फिर जेवरात वगैरह ले जाता है उसकी डेथ हो जाती है। हाँ दादाजी, मर जाता है जो भी लेकर जाता है यहाँ से, सोना हीरा वगैरह। फ्लैश लाइट हाँ हाँ, जल्दी 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 है। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं अंदर, सुरंग के अंदर चलते हैं। चलिए संजय भाई आओ पीछे से लेकर, हाँ आराम आराम से, हाँ हाँ झुक के आना पड़ेगा, अरे रुक जाओ यार, अरे इसकी इसी की तैसी, आजमगढ़ नहीं जाना हम लोगों को, फटाफट। फ्लैश लाइट तो दोगे यार, ये देखिए ये आपके जो है, यहाँ पर कुत्ता बैठा है, रीवा रीवा नवगढ़ विजयगढ़ राजगढ़ के लिए रोड रीवा जाने वाली है, रीवा चार जगह जाएगी रोड, कहाँ निकलेगी ये नहीं पता है, ये ब्लॉक कर दिया गया। आ जाओ, अरे अरे आ जाओ आ जाओ गाइस, आप लोगों को अंदर ले चलते सुरंग के। ये देखिए ये क्या है, ये नक्शे बने हुए हैं, देखो ये नक्शा है जहाँ तक की रोड गई, देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कहीं भी अगर आप यहाँ पे भूल गए तो यहाँ से देखते जा सकते। ऊपर देखो रोशनदान, ऊपर रोशनदान, ये देखिए गाइस दिखा, हाँ 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 हाँ, ये आपके लिए बनारस के लिए रोड है जो कि ब्लॉक कर दिया गया, ये बनारस निकलती, बनारस के किला जीत के मरे हैं राजा राम गोपाल सिंह जी से तोपे लगी। अच्छा अच्छा, चलिए आगे, चलिए आगे तो चलोगे यार, आगे से बाएं चलोगे यार तुम लोग, रुक जाओ भैया, आगे नहीं नहीं दादाजी है बैठे, चलो लाइट जलाते, चलो लाइट है दादाजी, आप आइए आराम आराम से। तो गाइस आप लोग पूरा का पूरा सुरंग का सुरंग दिखाते आप लोगों, बहुत खतरनाक सुरंग है यार ये तो। आगे से इधर इस साइड,
इस साइड घबराओ मत, चलो रुक जाओ आओ यार सब लोग आओ, चलो आओ आप कहाँ चले इधर, ये देखिए इधर आओ। अरे यार कहाँ कहाँ निकलना किधर से यार, अरे दादा ले चलेंगे ना, रुक जाइए रुक जाइए। इलाहाबाद दिल्ली तक की रोड गई है, ब्लॉक कर दी गई। ये इलाहाबाद और दिल्ली, यहाँ लड़कियाँ आती हनीमून करने, देखो लड़कियाँ आती हनीमून पे। इसकी दो मोबाइल रखवा लिया गया है, बहुत बढ़िया सही करे, बहुत बढ़िया था। यहाँ पर अय्याशी करने आते हैं लड़की और लड़कियाँ, रुमाल बिछा करके यहाँ फाइट कर रही थी। अच्छा लगता है सारी अंधेरे में चली आती है। अरे यार हनीमून मनाने यहाँ पर सुरंग के अंदर भाई लोग देखो कैन की बोतलें देखी, कैन की बोतलें यहाँ पर फुल अय्याशी करते हैं, इसी वजह से दादाजी ने इन सबको ब्लॉक कर दिया है। आगे चलो यार चलो आगे 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 आगे, ये ब्लॉक है ब्लॉक, ये हनीमून रास्ता है, ये हनीमून रास्ता है, यहाँ पर लड़की लड़के आते हैं हनीमून मनाने, जिसकी वजह से इसको ब्लॉक कर दिया गया। और इन लोगों को गर्ल्स एंड बॉयज आर नॉट अलाउड टुगेदर, अगर दोनों साथ में आएंगे तो ये लोग अलाउ नहीं है क्या यार, नहीं गाली नहीं गाली मत दो यार, जो भी करते थे अपने अच्छे के लिए करते हैं, हनीमून भी मनाना कोई गलत बात नहीं है यार, लेकिन गलत पर्पज से आप लोग अंदर ना आए भाई लोग। दादाजी का कहना है कि सुरंग में आप लोग आओ, अंकल जी ये कहाँ जाए, ये रामगढ़ के लिए रोड जाएगी, ये हाथी गेट है, अभी बीजापुर वाला कहाँ गया, ये यही रामगढ़ बीजापुर होते हुए बीजापुर सामने रोड जाएगी, ब्लॉक कर दिया गया है सब कुछ, ब्लॉक कर दिया गया भाई। ये था गेट जो कि अंदर से जाओगे जो रोड देख रहे हैं, बाहर में ऐसे रोड है, अंदर की लाइनें जब चालू हो जाएगी तो यही दादाजी आप तो एकदम हीरो लग रहे हैं यार, विलन थे आप, पुराने जमाने के हीरो नहीं पुराने जमाने के विलन थे यार, बहुत बढ़िया। फुल पैसा वसूल हम लोग घूमेंगे भाई, क्योंकि बहुत पैसा लग गया हम लोगों का घूमने के लिए, पूरा का पूरा पैसा वसूल करेंगे। निकलना है कहाँ से ये नहीं पता, और ये देखिए भाई ये भी अपना हनीमून मना रहा है यहाँ पर बैठ कर, अभी और जाना है कहीं, क्या और आगे है, हो गया चारों चौराहा हो गया भाई, ये देखो ये सब हनीमून वाली। अबे भाई साहब चलो यार चलोगे यार, अबे भाई साहब ये देखो सुरंग यार। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिसको भी इस वीडियो से कोई भी दिक्कत होगी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं, और अगर आप लोगों को भाई देखो मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस वीडियो बनाया था, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने आपको सिर्फ एंटरटेन करने के लिए इस वीडियो को बनाया था, और मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं था, ब्लॉग का चैनल है आप लोग इतना समझ सकते हो यार, इतना हंसी मजाक तो चलता भाई, आप लोग जमाना देख ही रहे हो यार, गाली तो मैंने कहीं पर यूज़ नहीं किया था, बस थोड़ा सा यार हंसी मजाक तो होता रहता, इतना तो चलता रहता, आप लोग सकते, और कोई भी मैंने ये नहीं है कि मैंने इसको दिखाने के लिए नीचा या बुरा भला मैंने वीडियो में किसी को कहा, तो आप लोग कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो भाई उल्टा सीधा बात करते हैं, तो इसीलिए मैंने वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता दिया, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे सीधा इंस्टाग्राम पर पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग समझ सकते हो यार मैंने इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो बोला नहीं, कुछ खराब वर्ड तो कहीं पर यूज़ भी नहीं हुआ, बट होते भाई कुछ लोग जो भाई बोलते समझ सकते हो आप लोग, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे बात कर सकते हो, और भाई कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, मेरी सेकंड ब्लॉग थी तो थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे फर्स्ट वाले गेमिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डेली लाइव स्ट्रीम करता हूं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा टेक केयर।